आज के दिन सियासत नहीं होनी चाहिए, 2047 में वो देश चाहिए कि यहाँ पे बैठा एक एक इंसान, 140 करोड़ मेरे भारत की आन बान शान मेरी जनता, ये संकल्प करे कि वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत क्या मौत जो तिरंगे से लिपटी ना हो। आज आज गूंज रहा है विश्व में भारत का नाम, चाहे जो बाइडन आपसे आपसे हस्ताक्षर मांग रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री से हस्ताक्षर मांग रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से भी हस्ताक्षर मांग रहे हैं, मेरे समाजवादी पार्टी भाई के भी प्रधानमंत्री से हस्ताक्षर मांग रहे हैं। आज जो बाइडन आपको बॉस कह रहा है, आज गूंज रहा है विश्व में भारत की शान, और आकाश में चमक रहा है आपका सितारा, चाहे वो चंद्रयान हो चाहे मंगलयान हो। आज मैं सलाम करती हूँ हमारे इसरो के साइंटिस्ट को और हमारे प्रेसिडेंट आदरणीय मेरे मुसलमान भगवान अब्दुल कलाम आजाद को, जिसने हमारी आन बान शान रखी। आज हम सबको ये संकल्प करना है कि इसी तरह हमारा देश 2047 तक हमारे तिरंगे की आन बान शान इसी तरह विश्व में रहे, यही मैं कामना करती हूँ। आज हमने वो डिलीवर किया है, आज भारत को 2047 में पुनः विश्व गुरु की संज्ञा मिलनी चाहिए, पुनः विश्व को एक तरीके से ज्ञान और प्रज्ञा की ये भूमि है, जहाँ पे शास्त्रों के माध्यम से केवल विश्व की शांति की कामना होती है, सभी के कल्याण की कामना होती है। आज भारत अपने दुश्मन देश में भी जाके सेवाएं दे रहा है। विकास की बात रही, विकास 2014 से पहले देख लो इस देश की क्या स्थिति थी, क्योंकि विपक्ष ने देश को लूटने का काम किया और देश की जनता का खून चूसने का काम किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए, आज देश देख लो कहाँ। यार मैं वादा करता हूँ 140 करोड़ देशवासियों से 30 तक हम देश का नक्शा बदल के दिखा देंगे, और जो मजदूर चौराहे पे खड़े वो चौराहे पे नहीं खड़े होंगे, वे कारों में घूमते हुए नजर आएंगे, कारों में। पैनल के लास्ट बीजेपी जी, जरूर स्वागत है। मैं आपके सब्र का, आपके धैर्य का साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हमारे कैमरामैन भैया को कहूंगा उस तिरंगे को जरूर दिखाएं, जिनको मैं पहले सलाम करता हूं, आपके शो को नमन करता हूं। अब मैं 2047 की आप बात कर रहे हैं, तो अपनी वाक्य को शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट करता हूं कि कुछ भी हो, कैसी भी सरकारें रहे, लेकिन ऐसी सरकार जरूर रहे जिसकी परिभाषा आज मैंने पेश की है, सुने सबकी, खुद की पहले ना सोचे, सबको मौका दे और आगे बढ़ाए, ये सरकार होनी चाहिए 2047 में। और दूसरी बात, कल स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हम सबको देते हैं, 15 अगस्त को सबको उत्साह मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को भी याद करने की आवश्यकता है, जिसके अंदर भयंकर दर्द है। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो कितने बलिदान हुए, कितने भेदभाव से इस देश के टुकड़े किए गए अपनी राजनीतिक सत्ता सुख के लिए, यह हमें ज्ञात करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का युवा जो आज नई पीढ़ी जन्म लिया है, उन्हें अपने इतिहास को भी जानने की आवश्यकता है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम कैसा भारत देखना चाहते हैं, वो हम वैसा भारत देखना चाहते हैं जहां मजदूर मजबूर ना हो, हम वैसा भारत देखना चाहते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई को 10-10, 5-5 हजार जो छोटे होते हैं उन्हें साहूकार से ऋण लेना ना पड़े, हम वैसा भारत देखना चाहते हैं जो एक एक युवा अपने आत्मनिर्भर बनकर देश को विश्व गुरु बनाए, हम वैसा भारत देखना चाहते हैं। और हम वैसा भारत देखना चाहते हैं जहां हर एक कोई हमारे विपक्ष के इनको गले मिलकर देश की उन्नति में हाथ बढ़ाए, हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं। एक दशक के करीब इनकी सरकार हो गई, ये कर क्या रहे थे, इनको करना चाहिए था ना, युवाओं को रोजगार देना चाहिए था, जिन युवाओं को रोजगार देना चाहिए था उनके हाथ में पत्थर दे दिए। अब बहन युवाओं की बात करती है, 2 करोड़ से ऊपर युवाओं को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है, और उन सारे रोज को रोजगार है जो देश के लिए कार्य कर। नमस्ते, मुझे मालूम था मैंने जो तुम्हारे इंजेक्शन लगाया अब तुम रुकोगे नहीं, वो इंजेक्शन लेके तुम जगह जगह घूमोगे और बताओगे भैया जी ने वो इंजेक्शन लगाया है, ऐसा आत्मविश्वास का इंजेक्शन लगाया है कि ये अब रुकोगे नहीं, 2047 तक काम करेगा। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। वंदे मातरम, वो वंदे मातरम।